हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशियन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद आपको ध्यान आ रहा है कि यार इसमें तो कोई कमी रह गई, हमें इसे एडिट करना था, ऐसे वीडियो को अपलोड नहीं करना था। तो मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस वीडियो को ऑनलाइन एडिट कर सकते हो, बिना उस वीडियो की प्राइवेसी या कुछ भी बिना उसका चेंज किए आप डायरेक्टली ऑनलाइन उसको एडिट कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो हम कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीम में बहुत जगह पॉज भी आता है, बहुत सारे पोर्शंस ऐसे होते हैं वीडियो के जो हम नहीं चाहते वीडियो पर रखना, यूट्यूब पर रखना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो पोर्शन हम अपने वीडियो से हटा दें। तो उसे हटाने के लिए या तो आपको उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से एडिट करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उस वीडियो को जो आपकी लाइव स्ट्रीम है वो आपकी अपलोड हो चुकी है, उसको आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने डेस्कटॉप पर। आप इसे मोबाइल से भी एडिट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल पर आपको जो अपना यूट्यूब है वो खोलना पड़ेगा डेस्कटॉप मोड में। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और देखते हैं कैसे काम करता है ये वीडियो एडिटर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर और यहाँ पर हमें अपना यूट्यूब को लॉगिन कर लेना है। और हम चाहते हैं, जैसे मान लो हमने अपना यूट्यूब पर कोई वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और हम चाहते हैं कि उसे हम ऑनलाइन एडिट कर पाए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप उसे कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी अपना वीडियो ले लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मेरा ये वीडियो है, मैंने ये अपलोड कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 27 जुलाई को लाइव स्ट्रीमिंग की थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको जाना है एडिट वीडियो। आप यहाँ पर एडिट वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एडिट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये जो ओपन है हमारा स्टूडियो, जो YouTube स्टूडियो है, YT स्टूडियो है, ये जो बीटा वर्जन है ये हो जाएगा ओपन। और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिटेल्स, एनालिटिक्स, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो एडिटर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिटर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और ये है यूट्यूब एडिटर। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा वीडियो हो गया, यहाँ पर हमें वीडियो टाइमलाइन मिल जाती है और ये है नीचे आपको ऑडियो वेव फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ देख सकते हो ये मोनेटाइजेशन का आ रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगानी है, किस टाइम पर लगानी है, वो सब यहाँ आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ऐड एंड स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है, फिर ऐड ब्लर ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे इस साइड, यहाँ पर हम इसको जो टाइमलाइन है उसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जिससे कि एडिटिंग में आसानी हो। साथ ही आप इसको वीडियो को, जैसे जगह जगह पर आप देख रहे हो जो गैप आ रहा है, हम इस वीडियो को अगर हम ट्रिम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रिम का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। और जैसे हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने एडिट किया है उसको अगर हम उस स्टेप को अगर हम बैक करना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, अंडू और रेडो। आगे बढ़ाना हो तो आगे के लिए ये है और बैक में करना हो तो अंडू के लिए ये है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि जो भी आपने चेंजेस यहाँ पर एडिटिंग में किए हैं उन्हें आप अगर हटाना चाहते हो, नहीं चाहते आप उन चेंजेस को, तो आप यहाँ से डिस्कार्ड चेंजेस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको जो आपने एडिटिंग की है उसे आपको सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो ये हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपनी वीडियो को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का वीडियो मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रिम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रिम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ब्लू कलर का ये दिखाई देगा आपको बॉक्स। अब हमें कर्सर को, जो हमारा बार है, उसको हमें लेके जाना है यहाँ तक। सपोज हम यहाँ से इसे ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगा देना है ये बार। ये हो गया हमारा बार। अब क्या करेंगे, इसको आप जो ब्लू लाइन है इसको उठाकर इसको होल्ड करेंगे, लेफ्ट क्लिक से होल्ड करेंगे और सीधा यहाँ उठाकर हम इसको यहाँ रख देंगे। अब जो हमारा वीडियो प्ले होगा वो यहाँ से प्ले होगा, इट मींस ये जो पोर्शन है हमारे वीडियो से हट जाएगा। और इसके बाद हमें कर देना है प्रीव्यू पर क्लिक। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो अब यहाँ से प्ले होगा।
ऐसे ही अगर आपको एंड वीडियो का ट्रिम करना है, मान लो मैं चाहता हूँ जैसे मैं पूरा यहाँ पर वीडियो को एंड पर लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हमें बिल्कुल लास्ट का पोर्शन जैसे है, बिल्कुल वीडियो के अगर हम लास्ट में जाएं, सपोज आपको ये वाला जो पोर्शन है लास्ट का ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो उसे हमें कैसे ट्रिम करना है, तो आपको फिर से एडिट ट्रिम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका बार है उसको लेके जाना है उसी पार्ट पर जहाँ से हमें इसे कट करना है, तो यहाँ पर आप लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ हमने रोक दिया और ये जो ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है इसको खींच कर हम यहाँ पर ले आएंगे। तो अब आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये भी हमारे वीडियो में नहीं रहेगा और ये पोर्शन भी नहीं रहेगा, केवल ये पोर्शन हमारे वीडियो में रहेगा। तो यहाँ से प्रीव्यू करके आप देख सकते हो और प्रीव्यू के बाद जब आपको लगे कि हाँ हमारी एडिटिंग ठीक हो गई है तो आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वीडियो। जैसे अब मैं अगर प्ले करूँगा तो ये यहाँ से प्ले होगा, यहाँ से होगा प्ले, ये यहाँ से मैं मान लो प्ले करके देखता हूँ, अगर आप इसको यहाँ भी रख दोगे तब भी ये यहाँ से प्ले नहीं होगा, ये यहाँ से होगा प्ले, देख सकते हो। तो ये जो हमारा बार चल रहा है तो ये यहाँ तक प्ले होगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रिम कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको जैसे इसे वापस, ये मैं पॉज कर देता हूँ, इसको अगर आपको वापस चाहिए तो आप ये ब्लू लाइन है इसको जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक ले जाएंगे, तो वीडियो आपका वापस भी आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर हमें पोर्शन जो है, जैसे बीच का पोर्शन है, यहाँ पर हमें कुछ वेव फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं, बीच का जो पोर्शन है वो हम अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है। सबसे पहले आप ट्रिम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मान लो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का पोर्शन हमें नहीं चाहिए, मान लो बीच का पोर्शन हमें हटाना है, तो हम करेंगे यहाँ पर मान लो मैं अपना बार लेके आया, यहाँ पर अपना बार लेके आए, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट, तो आप यहाँ स्प्लिट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्प्लिट पर क्लिक। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होके आपको कहाँ तक नहीं चाहिए वहाँ पर यहाँ अपना बार ले जाइए, यहाँ बार लेके गए उसके बाद फिर से स्प्लिट पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, जो ये पोर्शन है, अब ये जो वाली लाइन है इस लाइन को खींच कर आपको यहाँ ले आना है, ठीक है। तो हमारे ये जो बीच का पोर्शन है ये हमारे वीडियो से ट्रिम हो गया, यानी हट गया। अब जब आप वीडियो यहाँ से प्ले करेंगे, मान लो यहाँ से हम प्ले करके एक बार दिखा देते हैं, तो ये प्ले होने के बाद जंप होके सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ये बीच का पोर्शन हमारे वीडियो से हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑडियो, ऑडियो प्लस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से एक विंडो, अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा वो वीडियो आ गया और इधर हमें मिलते हैं यहाँ ऑप्शन एड और रिप्लेस ऑडियो इन योर वीडियो। तो ये यहाँ आप देख सकते हो, ये जो यूट्यूब लाइब्रेरी है इसको मैं पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब जो लाइब्रेरी है बिल्कुल फ्री, कॉपीराइटेड फ्री म्यूज़िक है। यहाँ से हम चाहें अपने वीडियो में कोई भी ट्रैक, यहाँ से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, मान लो ये वाला जो म्यूज़िक है, ये वाला जो ट्रैक है, मैं उसे ऐड करता हूँ, तो यहाँ हम करेंगे ऐड टू वीडियो, तो ये हमारे वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये म्यूज़िक हमारे वीडियो में, जो हमारी वीडियो ऑनलाइन थी उस पे ये हो गया है। इसका वॉल्यूम हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, आप देख सकते हो ये म्यूज़िक हमारे वीडियो में ऐड हो गया। अब यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, कहाँ से आपको वीडियो कहाँ से कहाँ तक आपको इसमें ऐड करना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और रिमूव करना हो आपको ट्रैक को तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ऐड और रिप्लेस ऑडियो इन योर वीडियो, साथ ही आ रहा है नीड म्यूज़िक फॉर नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ से आप गेट स्टार्टेड कर सकते हो, ऑडियो लाइब्रेरी पर आप पहुँच जाएंगे।
और यहाँ से आप ट्रैक का जो वॉल्यूम है उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम फिर से अपना YT स्टूडियो पर जाएंगे, हम यहाँ आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूँ, ये तो वीडियो का ऑप्शन हो गया, ऑडियो का ऑप्शन हो गया, उसके बाद यहाँ हमें मिलता है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आप एड जो ब्रेक एड है, आप यहाँ पर आप अपने एडवर्टाइजमेंट अपने हिसाब से लगा सकते हो, किस टाइम पर कौन सा एड प्ले होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे एक पहला टेम्पलेट ये है, ये ब्लैंक टेम्पलेट है, और ये है वन वीडियो और वन सब्सक्राइबर। यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, जो गोल दिख रहा है यहाँ आपका लोगो आ जाएगा। यहाँ पर एक वीडियो को आप एंड स्क्रीन में लगा सकते हैं। दूसरा है वन वीडियो और प्लेलिस्ट, वन लिंक, वन सब्सक्राइबर, इस तरह का टेम्पलेट। और यहाँ पर दो वीडियो आ रहे हैं, या फिर प्लेलिस्ट आप लगा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये आ रहा है, टू वीडियोस, प्लेलिस्ट, वन सब्सक्राइबर, यहाँ दो वीडियो आ जाएंगे, यहाँ आपका लोगो आ जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मेट हमें मिल जाता है, दो वीडियो यहाँ और एक लोगो। तो हम मान लो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके वीडियो के बिल्कुल एंड पर आपको ले जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वीडियो के एंड पर हमें इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये जो वीडियो है, यहाँ पर जो वीडियो लगेगा वो लगेगा मोस्ट रिसेंट अपलोड, जो भी आपने जो रिसेंटली अपलोड किया होगा वो यहाँ पर अपने आप ही उस वीडियो का लिंक लग जाएगा। साथ ही साथ वीडियो बेस्ट फॉर व्यूअर, तो जो व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छा है वो वीडियो यहाँ पर हो जाएगा और आपका लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है। मान लो आपने अपना कोई वीडियो या फिर अपना कोई लाइव सेशन है वो आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहते हो कि उसमें कोई कमी रह गई हो या आप एडिट करना चाहते हो, तो बहुत आसानी से इस यूट्यूब स्टूडियो से या यूट्यूब एडिटर से आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक और ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है, ये है एड ब्लर। एड ब्लर मतलब ये है, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ ऐसी है जैसे किसी का चेहरा है या फिर आपकी कोई डिटेल है, आप चाहते हो ब्लर करना कि वो जो व्यूअर है उसे ना दिखे, तो उसके लिए आप एड ब्लर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो दूसरी विंडो में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप इस साइड देख रहे हो, इसको मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इसको कर देते हैं हम पॉज, और यहाँ आप देख रहे हो ब्लर फेसेस, आप फेसेस को ब्लर कर सकते हैं, ब्लर फेसेस ऑफ पीपल हु अपीयर इन योर वीडियो। तो आप जो भी इसमें वीडियो में आपका जो भी फेसेस हैं, किसी का भी फेस है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का फेस अगर ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे यहाँ ऑप्शन मिलता है कस्टम ब्लरिंग, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे ब्लर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ब्लर फेसेस पर हम देख लेते हैं, एडिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है और इसमें ये सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन से फेसेस इसके अंदर हैं, वो फेसेस आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगर मान लो एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो में है, आप चाहते हो कि किसी व्यक्ति का आप नहीं चाहते उसका फेस इस वीडियो में दिखाई दे, तो आप उसको ब्लर कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसने जो वीडियो में सर्च किया है, ये मेरा फेस है, इसी को सर्च किया है क्योंकि इस वीडियो में मेरा ही फेस है और किसी का नहीं है। अब आप चाहते हो कि इस फेस को ब्लर करना, तो आपको सिंपली इस फेस पर क्लिक कर देना है। तो ये आप देखोगे वीडियो में अपने आप ही ये फेस जहाँ भी दिखाई देगा वो ब्लर हो चुका होगा। अभी ये प्रोसेस होता है थोड़ा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा फेस है वो हो चुका है ब्लर। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से आप किसी भी फेस को ब्लर कर सकते हो। तो ये वापस आ गया और इसको हम कर देते हैं कैंसिल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम ब्लरिंग है। यहाँ पर जब आप एडिट करोगे तो इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कस्टम ब्लरिंग कर सकते हैं, इसको पॉज कर देते हैं। और कस्टम ब्लरिंग के लिए आप सपोज कोई भी, मैं एक पोर्शन ले लेता हूँ, जैसे इसको वीडियो को थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं। इसमें अगर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जो टी शर्ट पर ये लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो को हमें ब्लर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको कर्सर को लेके जाना है और जो लेफ्ट कर्सर है उसको होल्ड करना है और यहाँ पर इसे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये पोर्शन जो भी आपको ब्लर करना है पोर्शन, उस पोर्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया ब्लर, आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लर हो गया है। और इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, आपको
कट भी कर सकते हैं इसको ब्लर को। तो ये हो गया हमारा ब्लर। अब जब आप इसे प्ले करोगे तो ये लोगो जो है वो ब्लर हो जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो वेटा पर। तो ये फंक्शंस हैं यहाँ पर, जैसे हमने बताया आपको, एंड स्क्रीन हम यहाँ लगा सकते हैं, वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, और कोई ऑडियो ट्रैक है, म्यूज़िक है, उसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ यूट्यूब स्टूडियो का जो यहाँ पर आप यूट्यूब ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना कोई ऑडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोनेटाइजेशन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, एड ब्रेक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड स्क्रीन यहाँ पर लगा सकते हैं, आप वीडियो में ब्लर कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस एलिमेंट, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स अगर आपको ऐड करने हो, जैसे वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो एंड स्क्रीन पर। अगर आप ये नहीं चाहते वीडियो मोस्ट रिसेंट अपलोड, या फिर ये आप कोई पर्टिकुलर वीडियो या प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ये सारा कुछ हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ कर देना है सेव। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मैसेज देखने को मिल जाता है, यहाँ आ रहा है इट माइट टेक अ फ्यू आवर्स और योर चेंजेस टू अप्लाई, ड्यूरिंग दैट टाइम व्यूअर्स विल सी द करेंट वर्जन ऑफ द वीडियो, यू वुड नॉट बी एबल टू मेक अदर चेंजेस टू द वीडियो व्हाइल यू वेट, यू कैन लीव दिस साइट। इसका मतलब यह है, बोल रहा है कि ये चेंजेस होने में कुछ घंटे का टाइम लगेगा जो आपने चेंजेस किए हैं, लेकिन उस दौरान जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपका जो पहले बिना एडिट किया हुआ वीडियो है जिस तरह से प्ले हो रहा था वो उसी तरह से उसको देख पाएंगे। और जब ये प्रोसेस में है तो उस समय आप कोई दूसरा चेंज इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि बोल रहे हैं व्हाइल यू वेट, और जिस समय ये प्रोसेस हो रहा है आप यहाँ से वापस जा सकते हो, इसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है वीडियो इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज चेक बैक लेटर, यानी वीडियो प्रोसेसिंग में है, आप कुछ टाइम बाद फिर से इसे चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।